हेलो भाई, गुड आफ्टरनून। स्वागत है फिर से किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो सीन है सर, आज जो साला हम सुबह कार्डियो कर गए थे, एब्डोमिनल भी किया था, आज जो वर्कआउट हमने किया है वो है लेग्स, तो वो मजा आया था। लेकिन तुम्हें दो तीन चीज़ों के साथ अपडेट करना था। एक तो तुम्हारा सवाल था कि बिंज ईटिंग, वो एक कह लो कि बड़ी मनहूसियत भरी चीज़ होती है। होता क्या है कि मान के चलो कि मील्स के बीच में, यानी स्पेशली अगर तुम्हें शुरू की है जर्नी या फिर तुमने अभी जस्ट लिफ्टिंग स्टार्ट करी है, तभी ये काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से तुम्हें हिट करती है। बिंज ईटिंग कह लो, या फिर बीच बीच में तुम अपने ट्रैक से हटते हो, तो उस केस में क्या कर सकते हो? एक तो भाई हम ऐसे करते हुए वीडियो बना रहे हो तो समझ नहीं आता साला क्या कर रहा है। तो सीन ऐसा है, बता दे पहले कि बिंज ईटिंग का में क्या रहता है कि तुम डाइट फॉलो कर रहे हो, फिर तुम भटकते हो और कुछ भी खाने लगते हो, तो बड़ी ही ख़राब चीज़ होती है। इससे कंट्रोल कैसे करें? क्योंकि देखो, लिटरली हमने जर्नी जब से स्टार्ट की है और मेरे ख्याल से अब 25 दिन होने को आए, एंड अभी तक हमने एक भी चीट मील नहीं ली है, और हमें बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर कोई तुम सामने हमारा पिज़्ज़ा ला के रख दो और इस तरफ हमारा ये नॉर्मल डाइट है, तो हम इसको चूज़ करेंगे। ये एक तरीके से थोड़ा सा कहते हैं कि डिसिप्लिन से आता है, स्पेशली अगर हम लिटरली हमने पिछले बल्क में भी कुछ ही चीट मील ली थी, और अगर हम पिछले साल से लेके बता दें, एक साल होने को, और हम लिटरली बता सकते हैं कि हमने ये चीट मील काउंट कर सकते हैं, और इसी तरीके से हमारे महीनों महीनों निकल जाते हैं। ये जो 100 दिन है, मेरे ख्याल से अगर अभी देखो 25 दिन निकल चुके हैं, एक चौथाई जर्नी निकल चुकी है, ठीक है, और इसमें भी अभी तक हमने एक चीट मील नहीं ली है, और आने वाले शायद 75 दिन में अगर लेंगे भी तो मजबूरी होगी। मजबूरी होती है, ये चीट मील थोड़ा कह सकते कि हॉर्मोनली तुम्हें हेल्प करता है। मान के चलो, तुम्हें पता होता है कि जब तुम चीट मील कर रहे हो तो तुम्हारे स्ट्रेस लेवल वगैरह होते हैं, या फिर तुम बहुत कुछ ज़्यादा ही खुश फील करते हो, वो टेस्ट बड वगैरह कह लो, तो उस पर्पज़ से शायद हम लें। लेकिन अगर तुम हमसे कह दो कि नहीं, लेनी ही लेनी है, मतलब कि अगर ऑप्शन है हमारे पास हेल्दी ईटिंग का, तो शायद हम हेल्दी ईटिंग ही चूज़ करेंगे। उसके दो तीन बड़े रीज़न हैं। एक तो ये हमारे डिसिप्लिन में आ चुका है, मतलब कि अब हम इस चीज़ से यूज टू हो चुके हैं। दूसरा, मील्स हमारी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहती है, इंटरेस्टिंग इन टर्म्स की बोरिंग नहीं होती। हम सेम चीज़ डेली खा रहे हैं, लेकिन अब उसकी आदत हो चुकी है, या फिर वो हमारे खून में बस चुकी है, जो भी कह लो, या फिर अच्छी होती मील। जैसे हमारा ब्रेकफास्ट काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होता है, शाम की मील काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होती है, लेकिन लंच और डिनर कह लो, वो थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि हाँ, कि ये बेटर हो सकता है अगर हम ग्रेवी वगैरह की कोई और मील बनाएं। इसीलिए हमने दाल भी ऐड करी है, वरना हम पहले तो साला सूखा छाती चावल ही खाते थे, लेकिन अभी हमने दाल ऐड करी है, तो वो थोड़ा सा एक फ्लेवर ऐड करता है हल्दी और नमक का। लेकिन हमें लगता है कि अगर कोई क्या कहते हैं ना, वो थोड़े से छोले चावल बना के दे दे, मज़ा आ जाए वो तो, लेकिन चलेगा, हमें इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम रिकमेंड क्या करेंगे, पहली चीज़ तो है कि मील्स तुम अपनी सस्टेनेबल रखो। बहुत ज़्यादा एकदम तला तला कर रहे हैं, एकदम सॉल्टी खाने की ज़रूरत नहीं है, एकदम बासी खाना। इवन हमारी जितनी मील्स होती हैं वो तो टेस्टी होती हैं। सपोज़ अगर हम कोई ऐसी फेज़ में आते हैं, या आने वाले दिनों में ऐसी फेज़ में आएंगे जब हमें लगता है कि नहीं, अब हमें कुछ चाहिए ही चाहिए, ऐसा मोस्टली हमारे साथ भी होता है, ऐसा नहीं है, है डिसिप्लिन। लेकिन जब हम डिनर के बाद रहता है, तब सीन हमारा होता है कि कुछ हमें स्वीट चाहिए होता है, तब उस केस में क्या करते हैं, हम प्रोटीन बार्स बना लेते हैं, यानी एज एन घर पे ही। वो हमने रेसिपी काफ़ी बार शेयर की हुई है, तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है हमारी। तो प्रोटीन बार की तो एक तरीके से काफ़ी सही चीज़ भी है, प्रोटीन बार हुआ। फिर उससे पहले हम एक वो बनाते थे रबड़ी, तुम्हें शायद याद हो, हम उसमें क्या क्या डालते थे यार, हम तो भूल गए। मेरे ख्याल से हम उसमें ओट्स, वे प्रोटीन ओट्स था भी कि नहीं था यार, हम लिटरली वो भूल गए। हमने हाई प्रोटीन रबड़ी बनाई है भाई, बहुत टेस्टी होती थी वो, एंड उसको हम कोशिश करेंगे शायद हम दोबारा बनाएं। उसका फ़ायदा ये होता है कि वो कैलोरीज कम रहती हैं उसमें, लेकिन तुम्हें फुल फील कराता है। सेम चीज़, हाँ एक चीज़ होती है वेफल्स या वॉफल्स होते हैं, वो कम कैलोरीज में तुम्हें काफ़ी एक अच्छा टेस्ट मिल जाता है, और तुम्हारी क्या कहते हैं चीट मील वगैरह का भी मन नहीं करता। तो ये कुछ चीज़ें जो हम ऐड करते हैं, और ये हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर देती है डाइट को सस्टेनेबल रखने में। अब जैसे हमारी ये मील थोड़ी सी भले ही बोरिंग है, लेकिन इसमें टेस्ट के लिए ऐड क्या करते हैं, वे प्रोटीन नहीं, इसमें पीनट्स हैं, तो पीनट्स थोड़ा सा क्रंचीनेस इसमें ऐड करती है, तो ये टेस्ट ऐड करता है, और ये हमारे मैक्रोस के अंदर बैठ रही है। हालांकि हम ट्रैक नहीं कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और बस भाई, तो
ये कुछ चीज़ें जो हम फॉलो करते हैं, तो तुम ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो, लेकिन इन दी एंड होना यही है, तुम्हें थोड़ा सा डिसिप्लिन बिल्डअप करना ही पड़ता है। कुछ चीज़ें आसान नहीं होती, वो पुश करने से ही आती हैं, है ना। हर चीज़ नॉर्मल होती तो हर कोई ऐसा होता है, ठीक है। कुछ चीज़ें मुश्किल होनी भी चाहिए, वरना उसकी वैल्यू नहीं रहती, ठीक है भाई। तो उम्मीद है तुम्हें समझ में आ गया होगा। बाकी तुम वर्कआउट देखोगे देखोगे, पहले कार्डियो की क्लिप देखोगे तुम सुबह की हमारे जाते हुए, कि वो हम रिकॉर्ड करते ही करते हैं डेली, ताकि फ्लो बन जाए हमारा, तो उसका ये फ़ायदा भी है। एंड उसके बाद तुम वर्कआउट देखोगे लेग्स का। आज लेग्स का सेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था, उसमें हमने कुछ ज्ञान भी पहला है, ज़रूरी ज्ञान पहला है, तो वो सुनना आखिरी में और शुरू में, तो बताना कैसा लगा। और कुछ पूछना हो तो नीचे कॉमेंट कर देना। और तुम्हारा फिर से सुबह की क्लिप में तो अगेन, अब तो साला 15 मिनट पहले उठना हो तो ऐसा लगता है कि 1 घंटे की नींद ही कम हो रही है, लेकिन सही है। उस तरफ अब हमने प्रॉपर 10 बजे उठना चालू कर दिया है, उसमें तो दिक्कत नहीं आ रही है। बाकी रूटीन भी बनी जाएगा मेरे ख्याल से, इतना जल्दी तो नहीं हो पाए, पर अब साला तो सोचो सिर्फ 15 मिनट का अंतर है, सिर्फ हम 5:30 बजे उठ रहे हैं इस टाइम पर, और उस तरफ हमें साला फटने लगी, ठीक है। लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जब डोमिनल अच्छे से ट्रेन करना है हमें, वो ज़रूरी है, और इसीलिए देखा जाए तो सुबह हमने जिम में ज्वाइन करी है कि एम्प्टी स्टमक कार्डियो और उसके बाद एब्डोमिनल अच्छे से कर पाएँ, या फिर कुछ मसल जो हम स्किप कर देते हैं, काफ्स वगैरह, वो इस टाइम काफ़ी अच्छे से हम ट्रेन कर लेते हैं सुबह खाली पेट। तो बस भाई ये तुम्हें अपडेट देना है, ताकि मिलते हैं। तुम्हारा स्वागत है फिर से एक और क्या कहते हैं वीडियो में। तो आज का अपडेट देना, आज लेग्स डे है हमें, एंड मेजरली आज फोकस करना है हमें, आज हैमस्ट्रिंग फोकस करना है, तो दो मूवमेंट उसके रहने वाले हैं, एक क्वाड्स करेंगे मोस्टली, वो लेग प्रेस ही होने वाला है। बट साला एक दिक्कत ये है कि आज हम लोअर पहने हुए हैं, तो साला वो बड़ी दिक्कत करेगा हमें, फील हो रहा है, बट चलेगा। लेकिन अभी वार्म अप करेंगे, फिर तुमसे बाहर मिलते हैं। लेकिन भाई तुम्हें एक अपडेट दे दें, खाली किस्मत इन दोनों थोड़ी सी झंड चल रही है। एक तो ये है कि हमने तुम्हें बताया लोअर पहन के आए हैं, तो लोअर का सीन ये है कि हमारे पुराने जितने भी कच्चे हैं वो फटे हैं, फटे हैं, साला नीचे छेद हो गया उसमें तो। और साला हमारे पास 3 वो एक तरीके से शॉर्ट्स हैं, एक वो हो गया जिससे हम सुबह कार्डियो पहन के आने लगे हैं, तो वो हम पहन के नहीं आ सकते अभी, क्योंकि वो गीला होता है तो धुल के रख देते हैं उसको सूखने के लिए। दूसरे जो हैं साला सब में छेद हो गए, मतलब कि आप समझ रहे होंगे हमारी भावना, तो उनमें छेद हो गया। अब साला आज हमें मजबूरी में लोअर पहन के आना पड़ा है। जो पहला मूवमेंट करने वाले हैं वो हैमस्ट्रिंग कर ली होगा, एंड आज मोस्टली मूवमेंट मशीन के ही होंगे, क्योंकि हैमस्ट्रिंग कर लूँ मशीन पे, सिर्फ नॉर्मल हैमस्ट्रिंग जो होगा एक तरीके से, डेडलिफ्ट कह लो जो भी कह लो, वो सिर्फ एक तरीके से फ्री मूवमेंट होगा। बाकी के जितने भी मूवमेंट है सब मशीन पे हैं, क्योंकि हैमस्ट्रिंग कर ये मशीन पे है, फिर डंबल हैमस्ट्रिंग जो करेंगे वो फ्री वेट होगा, उसके बाद लेग प्रेस करेंगे वो भी मशीन पर वाला है जो पीछे है हमारे जस्ट, ये ज़्यादा में सही लगी है क्योंकि इस पर वेट वगैरह ज़्यादा निकालना और डालना नहीं पड़ता, तो एनर्जी बचती है, इसलिए ये ही करेंगे आज भी। देन इनर थाई और ग्लूट्स भी मशीन पर होने वाला है। देन काफ साथ करनी है हमें, सीटेड मशीन काफ रेजेस, वही मशीन पर, तो मोस्टली मूवमेंट आज मशीन पर रहने वाला है, तो टाइम ज़्यादा नहीं लगने वाला है। ओके, ये पहला वर्किंग सेट था और इसमें 15 हैं, तो अगले में 12, उसके अगले में 10 और उसके अगले में 8 ट्राई करेंगे। 12 7 6 5 4 3 2 ओके भाई, तो आज भी 81 तक जाएंगे। मेरे ख्याल से जितना मैं याद है पिछली बार जो है 74 पे ईजिली 10 आ गए थे, ईजिली रनिंग करेंगे बट स्ट्रगल था, 10 आ गए थे। लेकिन उसके जो आखिरी सेट था 81, उस पर मेरे ख्याल से हमने प्लान 8 ही किए थे, लेकिन आए थे मेरे ख्याल से 5 या 6, इतना मैं याद तो है कि उसमें हम चौथे सेट में, जो आज चौथा कह रहे हैं, चौथा वर्किंग सेट था, उसमें पूरे 8 रैप नहीं लगे थे,
एंड दो प्लेट रह जाती हैं फुल स्टैक से, तो इस बार ट्राई करेंगे। हाँ, तो इसमें अपडेट देते हैं, उस पर ड्रॉप लगाया था हमने, लेकिन उसमें निकले कितने, 7 थे, 7 का तो हमें आइडिया है, हम शायद 7 ना डालें क्योंकि कोई बीच में आ गया था तो सही चीज़ नहीं है। एंड लेकिन बाकी में ड्रॉप भी था। और हाँ, अगर तुम बहम जो लिफ्ट वाला होता है वो रेप काउंट नहीं करते हैं, चाहे वो प्रेसेस में भी हो तब भी वो काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि एक में सिर्फ सीधे तुम ऊपर लेके आके उसको स्टेबल करते हो, तो वो चीज़ थोड़ा सा काउंट करनी चाहिए वैसे तो, बट हम करते नहीं हैं। लेकिन उसके बाद हमने 50% वेट ड्रॉप किया, तो 50-50 ड्रॉप ही करते गए थे, उसमें 10 से 15 लगा रहे थे, तो वो ड्रॉप भी था तो मज़ा आया। अभी लेकिन हमें लगाना है वो हैमस्ट्रिंग डेडलिफ्ट कह लो या कुछ भी कह लो, वो करेंगे। एंड उस पर थोड़ा सा स्ट्रेच पे फोकस करेंगे, इस पर थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, उसमें स्ट्रेच पे फोकस करेंगे। तो सीन ऐसा है, अभी जस्ट हमने आखिरी सेट किया 50 से, मज़ा आ गया। लेकिन भाई कसम से पूरा अपने हैमस्ट्रिंग से लेके, बात ये नहीं होती सिर्फ हैमस्ट्रिंग से लेके, तुम इसका जो पंप फील करते हैं हम, सॉरी पीछे से जो हमारे हैमस्ट्रिंग होते हैं लिटरली टच करने लगते हैं पंप के मारे, तो ये हमें बहुत अच्छा फील करता है कि नहीं। और ये बहुत ज़रूरी रहता है स्पेशली जब तुम बैक पोजिट करते हो, तो तुम्हारे जो गैप होना चाहिए लेग्स के बीच का वो कम से कम होना चाहिए, जिसमें तुम्हारा इनर थाई और हैमस्ट्रिंग ये दोनों मसल बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। पंद्रह 14 13 12 9 8 7 6 5 2 1 5 4 3 2। तो एक लॉन्ग मूवमेंट जो करने वाले हैं वो ग्लूट्स के लिए है। ओके भाई, तो वर्कआउट यहीं तक था। एक चीज़ हम भूल गए थे, वो काफ़ी अच्छी चीज़ ये है कि अब तो हमें क्या कहते हैं कास्ट करने की ज़रूरत नहीं है इस टाइम पोस्ट वर्कआउट में, क्योंकि अब तो सुबह जिम ज्वाइन कर लिए तो सुबह पोस्ट कार्डियो कर लेंगे। और उसका एक रीज़न ये भी है क्योंकि हम इंक्लाइन वॉक करते हैं, फुल इंक्लाइन वॉक, तो उसमें तुम्हारे काव्स पहले से ही एक तरीके से इंगेज रहते हैं। देन उसके बाद काव्स को ट्रेन करने का एक अलग मज़ा और है उसको और फेलियर करने में, तो अभी तो करने का कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि सुबह भी हमने आधे घंटे एक तरीके से इंक्लाइन करी थी। आज काफ फ्रेजेस नहीं किए थे, यानी काफ्स का कोई मूवमेंट नहीं किया था, लेकिन मंडे से तो करना ही करना है, तो तब क्या रहेगा ऑल्टरनेट डेज पे
एक दिन काफ्स, एक दिन एब्डोमिनल, एक दिन काफ्स और एक दिन एब्डोमिनल, तो कुछ इस तरीके से चलेगा। बाकी बस भाई यहीं तक रखना था आज का हमें वर्कआउट, मज़ा आ गया आज करके। एंड अब धीरे धीरे हम लेग्स को इम्प्रूव होता हुआ देख पा रहे हैं, नज़र ना लगे किसी की, बट चलेगा। तो बस भाई यहीं तक वीडियो रखते हैं, उम्मीद है तुम्हें मज़ा आया होगा। बस ये चीज़ ट्राई करना ही है, वर्कआउट काफ़ी ज़्यादा हमें सही लगा और बैलेंस लगा, क्योंकि इसमें सभी चीज़ तुम एक तरीके से पंप फील करोगे, करोगे अच्छे से करो तो। बहुत ज़्यादा हैवी जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लाइट ही रखते हैं। तो बस भाई यही तुम्हें बताना था, बाकी उम्मीद है कि तुम सही होगे और अपना ख्याल रखना। और ब्रातंग की तरफ से टाटा।